अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अंडे मुर्ग छोले की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स जमा किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप इसी लिहाज से बने। ये बहुत लजीज और शानदार सालन बनता है, और इसमें आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से चिकन का, अंडों का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ली है, इसके साथ साथ मैंने तीन अंडे लिए हैं, और आधा पाव मैंने इसमें चने लिए हैं उबले हुए, ये मैंने उबाल के और एक बॉल में निकाल लिए हैं। अच्छा, इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ, अजवाइन का जायका बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर डालिएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने एक चम्मच, छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है, पिसा हुआ हल्दी है, और इसमें मैंने ज़ीरा भून के और पीस के आधा चम्मच ले लिया है, ठीक है। इसके साथ मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है एक चम्मच, नमक हसबे जायका लेकिन मैंने एक चम्मच लिया है, पिसी मिर्ची मैंने एक चम्मच ली है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गार्निश के लिए मैंने धनिया मिर्च ली है। अब मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताऊंगी। और ये जो है मैंने एक प्याज ली है, और प्याज के साथ मैंने एक टमाटर, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती, दोनों को अदरक लहसुन के साथ ब्लेंड करके मैंने रख लिया है, और आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने नॉर्मल चीज़ें ब्लेंड की हैं जो आप भी कर सकते हैं। एक प्याज लें, एक टमाटर लें, उसको ब्लेंड करिए। मैं इसको पकाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि ये इसी से इसका जायका लगता है और अच्छे बनते हैं। चलिए, इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो सबसे पहले चिकन शामिल करूँगी। चिकन को हम थोड़ा तलेंगे, अच्छा तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर दी थी। चिकन को हम थोड़ा सा तलेंगे ताकि मुर्गी थोड़ी सी फ्राई हो जाए, उसके बाद हम तमाम मसाले इसके अंदर डालकर इसको भुनेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी हमारी मुर्गी फ्राई हो जाए। हमारी फ्राई हो गई है, ये देखिए थोड़ी सी हमको इसको कलर इसका चेंज करना था। अब हम अपने चिकन को बाहर निकाल लेंगे, बॉल के अंदर, प्लेट के अंदर, जिसे भी चाहें आप निकाल लें, और निकालने के बाद हम इनके मसाले के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम तमाम चिकन को एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि हम इसके बाद मसाला भूनेंगे। इसलिए हमने अपने चिकन को फ्राई करने के बाद निकाल दिया है। तमाम मसालेदार जो हमने गढ़ी निकाले थे सब इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, और मैं इसका तरीका आपको सबको बता चुकी हूँ क्या चीज़ कितनी है। अच्छा, मैंने तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब ये जो मैंने अजवाइन आपको बताई थी, ये एक चम्मच ये भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको भूनेंगे, और थोड़ी सी देर भूनने के बाद चिकन शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप देखिए मसाला कितना, हर चीज़ इसमें मुनासिब मकदार में डली हुई है, इसी तरह आप भी भूनिएगा इसको 5 मिनट तक। अच्छा, मसाला हमारा मुकम्मल भून चुका है 5 से 7 मिनट के अंदर। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले को, और तकरीबन 1 कप पानी डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे ढक के। ये मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स करें सब तरफ से साफ करके, और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख दें, उसके बाद हम देखते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारे सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए थे, और सालन हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा दही शामिल करूंगी जो ऑप्शनल है, यानी मैंने आपको इसलिए बताया है कि चाहें तो शामिल कर दें और नहीं चाहें तो नहीं शामिल करें। मैं डालती हूँ इसलिए मैंने बताया आपको, नहीं डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इससे थोड़ा सा जायका अच्छा हो जाता है। दही डाल के बस 2 मिनट इसको आपको भूनना है, मिक्स करना है। उसके बाद चने, क्योंकि हमारे मुकम्मल बॉयल थे इसलिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और उसके बाद जो है वो गार्निश करेंगे। बॉयल एग भी हैं, तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं जो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर चने शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा शोरबा इसका इस तरह रहेगा। अब इसके बाद इसको हम हरे धनिया, हरी मिर्च से गार्निश करेंगे।